पढ़ने वाले लोग पर सानू मजबूर किया जाता भी थान थान से जाके अस हिंदी बोलीए। पर नौजवानों एक गल चेता रखिए, जो हुकूमत इतहैया करके बैठ गई हो साडे सभ्याचार को खत्म करना है, साडे धर्म को खत्म करना है, साडी बोली नू मारना है, तो साडा एक फर्ज बनता है कि अगों असी वो भी कम ना कर लग पाइए जिहड़ी हुकूमत चाहती है। एक काम हुकूमत की चाहती सी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने वचन किया खालसा मेरो रूप है खास। और तुसीं मैनूं दसो खालसे दा रूप सतगुरु ने कहा जो मेरा रूप है ओहो ही मेरे सिख दा रूप होना चाहिए। कलगीधर पातशाह दी तस्वीर वैसे ते बन नहीं सकती, पर अपने मन च जदों तुसीं सतगुरु सच्चे पातशाह दी तस्वीर उजारदे जो कदी तुसीं सतगुरु सच्चे पातशाह नूं बिना केसां तों बिना दिमाग तों चित्र सकदे जो अपने दिमाग दे विच नहीं, पर असीं हुकूमत दे आखे लग के अपना स्वरूप ओह बनाया जिन्हां ने सानूं गुलाम कीता, जिन्हां ने साडियां धीआं भैणां दी बेबदी कीती, जिहड़े साडे तख्त ढाउंदे रहे, जिन्हां साडे पाणी लुट्टे, जिन्हां साडी जवानी को को के कदर कीती, असीं उहनां वर्गे चेहरे मोहरे बना के ते बड़े माण नाल तुरे फिरदे आ, वी सोहणे बड़े लगदे आ। जे पुत प्यो वर्गा ना लगे ते दादे वर्गा बिलकुल ना लगे ते ए गल सोहणे लगन वाली नहीं, यह साडी नसल ते सवाल खड़ा होने वाली गल है। शेर दा पुत्र होवे ते उहनूं दसणा पै जावे वी मैं शेर दा पुत्र आ, ते शेर दा पुत्र कमाउण दे लायक नहीं। शेरां दे पुत मूंह बोल के नहीं दसदे वी असीं किहदे पुत्र आ, सानूं दसणा पैंदा। क्यों दसणा पैंदा? कलगीधर पातशाह ने एक रूप बख्शिया सी वी खालसा मेरो रूप है खास। अज ओह खास रूप छड के असीं उहनां दा रूप धारण कीता जिन्हां ने हजारां साल सानू लताड़े बना के दलित बना के रखिया। इस इलाके दे विच डेरे सिरसे दा बड़ा प्रभाव है, लोग उस डेरे नाल जुड़े क्यों? क्योंकि इत्थे जाति वितकरे हुंदे सन, असीं उच्ची जात वाले जिहड़े अहंकार करके बैठे ने। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने खालसा जी खंडे पाठ दा अमृत तैयार कीता, सतगुरु सच्चे पातशाह ने सारियां जातां धर्मां नूं आवाज मारी है कि आओ तुहाडियां जातां खतम कर दईए, तुहाडी कुल नाश कर दईए, तुहानूं अपने पुत्र बना लवां मैं ते तुहानूं पातशाही दे दवां। उत्थे कई अहंकारी सी पहाड़ीए, उत्थे कई सन जिहड़े कहिंदे सी कि इन्हां नीवे लोकां दे नाल बैठ के असीं के पाठ जमत नहीं छकणा, उन्हां सानूं वी नीवे आखिया सी। ते उदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने की वचन कीता सी? इन गरीब सिखन को दिओ पातशाही। तो सतगुरु ने ते आखिया कि मैं इन गरीबां नूं पातशाही देनी है, तुहानूं तुहाडा सुतियां दा मूंह कदों चटिए? जिहड़े मेरे पुत्र ने, जिहड़े मेरे हुक्म ते अपना सीस तरी ते धरत के रखदे लड़दे ने, असीं पातशाही देनी ते उहनां नूं दईए। पर अज जे असीं उसे कोड़ दा शिकार हो गए जिहचों कढ के कलगीधर पातशाह ने आखिया सी, जे कोई पुछदा कि तुहाडी जात कहड़ी है, ते खालसा जी जे ते अमृत छकिया होया ते फिर ते कहण दे हकदार होवांगे कि मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, मेरी माता साहिब कौर है, मेरा घर आनंदपुर साहिब है, ते जात मैं मूंह बोल के नहीं दसनी, तुसीं आपे पुछ लो। ते जिहड़ी जात साडे